नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोको सेट गोंडा। यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हमारे जो साथी लोको मेंटेनेंस तथा ऑपरेशन से जुड़े हैं, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट सीएलआई तथा ट्रिप सेट में काम करने वाले हमारे सभी साथियों के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। यह वीडियो कन्वेंशनल लोको के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस पैरामीटर का अगर ध्यान रखा जाए तो लोगों की सेफ्टी तथा रिलायबिलिटी में वृद्धि की जा सकती है तथा बड़े हादसों को टाला जा सकता है। हम इस वीडियो में टीएम नोच के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे यदि टीएम नोच टूट जाए तो टीएम लिफ्टिंग लग की पोजीशन क्या होगी। हमें लोगों का चार्ज लेते और देते समय हर समय सिर्फ एक पैरामीटर टीएम साइड लग तथा ट्रांजम के बीच के गैप को मेजर करना है। दोनों साइड जाकर हमें ये श्योर करना है कि टीएम साइड लग तथा नोज में गैप जरूर रहे। जैसा कि स्केल से दिखाया जा रहा है, ये साइड लग तथा ट्रांजम के बीच के गैप को हम स्केल द्वारा दिखा रहे हैं। ऐसा ही गैप दूसरे साइड भी आपको दिखाई देगा तथा सभी ट्रैक्शन मोटर में यही गैप हमें मेजर करना है। आइए क्रॉस बार के दूसरे साइड भी देखते हैं। यहाँ भी आपको सेम गैप दिखाई देगा टीएम नोज और साइड लग के बीच में। समझते हैं, यह हमारा टीएम का वह हिस्सा है जहाँ टॉप नोज, बॉटम नोज तथा साइड लग दिखाई दे रहे हैं। जब हम ब्रेकिंग करते हैं या ट्रैक्शन लेते हैं तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन के दौरान जो उत्पन्न झटके होते हैं या जर्क्स होते हैं, वो नोज सस्पेंशन के थ्रू बोगी ट्रांजम पर यहीं से ट्रांसफर होते हैं। हम जानते हैं कि टीएम एक प्राइम मूवर है जिसका एक हिस्सा एमएसयू ट्यूब से एक्सल पर जुड़ा होता है तथा दूसरा हिस्सा सैंडविच असेंबली के साथ बोगी ट्रांजम पर जुड़ा होता है। बोगी का यह हिस्सा ट्रांजम कहलाता है। इसी ट्रांजम पर सैंडविच असेंबली, वर्टिकल पिन तथा हॉरिजॉन्टल पिन के सहारे टीएम से जुड़ी होती है। सैंडविच असेंबली दो मेटल प्लेट के बीच में रबर स्प्रिंग की एक बनी असेंबली होती है जो झटकों के दौरान कुशनिंग का कार्य करती है। इस पिक्चर में हम टीएम लिफ्टिंग लग, ट्रांजम तथा ट्रांजम से जुड़ी सैंडविच असेंबली को रिटेन करने के लिए वर्टिकल पिन तथा कीपर पिन देख पा रहे हैं। हमें लिफ्टिंग लग तथा ट्रांजम के गैप को ही चार्ज लेते समय इंश्योर करना है। लिफ्टिंग लग तथा ट्रांजम के बीच यह गैप 2.5 इंच से ऊपर होना चाहिए तथा हमें सभी ट्रैक्शन मोटर में दोनों साइड इस गैप को इंश्योर करना है। टीएम लिफ्टिंग लग तथा ट्रांजम के बीच के गैप को स्केल द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। यही गैप हमें सभी ट्रैक्शन मोटर में दोनों साइड इंश्योर करना है। इसको बेहतर समझने के लिए टॉप व्यू से सेम गैप को आपको दिखाया जा रहा है। यदि टीएम नोज टूट जाए, उस कंडीशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ सैंडविच असेंबली निकाल दी है जिसके कारण आपको पिक्चर में नोज डाउन दिख रहा होगा तथा ट्रैक्शन मोटर का सारा लोड लिफ्टिंग लग पे आ जाएगा और लिफ्टिंग लग ट्रांजम पर बैठ जाएगा। यदि आपका लोको का चार्ज लेते समय ये कंडीशन दिखाई दे कि लिफ्टिंग लग ट्रांजम पर बैठा हो तो तुरंत तत्काल उस लोको को फेल कर दें और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। सेम कंडीशन को बेहतर समझाने के लिए हमने टॉप व्यू दिखाया है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि नोज डाउन है और लिफ्टिंग लग बोगी ट्रांजम पर बैठा मिल रहा है। अगर आपको लोको का चार्ज लेते समय लिफ्टिंग लग और बोगी ट्रांजम के बीच गैप नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ये मानकर चलें कि उस ट्रैक्शन मोटर का नोज टूट चुका है और तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें तथा लोको को फेल कर निर्धारित प्रक्रिया का आप
पालन करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.